चलिए आज हम चलते हैं बटेश्वर, जो आगरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर 101 शिव मंदिर है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर एनिमल फेयर लगा हुआ है। सो वी हैव ग्रेट फन एंड फ्रॉलिक देयर, क्योंकि इट इज वेरी स्पिरिचुअली एंड कल्चरली वेरी गुड सेंटर। चलिए लेट्स स्टार्ट एंड ये देखूंगी कि मैं कितने स्पीड से गाड़ी चलाती हूँ। यू विल बी अ विटनेस टू इट। ये हम चले हैं हरि पर्वत से और फतेहाबाद रोड पर आप देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक है। बट ट्रैफिक में चलाना इज अनदर एक्साइटमेंट, क्योंकि मेले में जाएंगे तो वहां पर लोग भी बहुत मिलेंगे और ये मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है, कभी धूप कभी बदली। पूरा बाजार किस तरह सजा हुआ है, पूरा रास्ता मुझे तो लगता है कि मेले में जाने के लिए आई कैन रियली हैव द फुल एक्सपीरियंस ऑफ इट। जा रहे हैं बटेश्वर की ओर और जो हमारी कैटल्स हमारा पहले से ही वेलकम करने लगी हैं। बटेश्वर इज अ विलेज इन आगरा डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज 70 किलोमीटर फ्रॉम आगरा, जिसको कि मैं समझती हूँ कि हमें 1.5 घंटा करीब लगना चाहिए। दिल्ली से यूजुअली 4.5 घंटे में हम बटेश्वर पहुंच सकते हैं। बटेश्वर का नाम लॉर्ड शिव के ऊपर पड़ा गया है, क्योंकि बटेश्वर शिव का ही एक पर्यायवाची है। इट इज ऑल्सो बिलीव्ड कि बटेश्वर इज अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णास मदर। आगरा के हश बश वाले ट्रैफिक से हम निकल करके अब एक बहुत ही सुंदर स्मूथ रोड पर आ गए हैं, जहाँ पर हमारी स्पीड कुछ ज्यादा हो भी सकती है। हम आगरा से 11:30 बजे चले थे एंड द एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम एट बटेश्वर इज 1:15। लेट्स सी। बटेश्वर वैसे तो शिव मंदिर के लिए बहुत विशेष रूप से जाना जाता है, हिंदूज और जैन्स यहाँ पर बहुत आते हैं। इट्स अ टूरिस्ट प्लेस नॉट ओनली फेमस इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द राइड विद मी एंड आई एम हियर विद माई सन मयंक। Mayank, I am sure we'll have a nice time there, right? Yes, definitely. Okay, chalo. Let's move on. Yahan se baha 48 kilometers hai and Bateshwar se baha is 5 kilometers. So, jaldi se calculate karega. जो घटी आजम खां आगरा में मिलती है एंड इसके लिए आधे आधे घंटे की वेट करनी पड़ती है, तो जरूर कभी आइए सुभाष बेड़ी भंडार पे। कितने बजे बंद होगा वहाँ पे? 4 बजे 5 बजे? वैसे बंद होने का नहीं है, वो एक्चुअली जैसे पैर जहाँ पर खरीदते हैं ग्राहक आते हैं खरीदने के लिए और बेचने के लिए लोग आते हैं। क्या ओपन फील्ड में? हाँ, ओपन फील्ड में सारे जानवर हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े जानवर तक। मेरे को लगा जू है। नहीं, जू नहीं है, इट इज अ कैटल फेयर जहाँ पर खाने पीने के भी वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं। एक्चुअली ये जो फेयर है ना, ये 3 स्टेजेस में होता है। तो पहले दिन तो होते हैं कैमल्स एंड हॉर्सेस, सेकंड में काउज बफलोज ये सब। तो लोग कैमल्स एंड हॉर्सेस को बेच रहे हैं वहाँ पे? बेच रहे हैं और लोग खरीदने आ रहे हैं और उन लोगों का डिस्कशन सुनने में बड़ा मजा आता है। जो अपने अपने जानवरों के बारे में बताते हैं, उनकी स्किल्स के बारे में बताते हैं, उनकी नस्ल के बारे में बताते हैं, इट्स रियली ग्रेट टू वॉच। आई थिंक अब लेट हो रहे हैं, पौने एक ऑलरेडी हो चुके हैं, चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। बेड़े खाने खेत में बैठ करके कितनी दूर शहर से, कितना अच्छा लग रहा है ना। बट मेरा फाइनल बाइट एंड आई एम ऑन द स्टीयरिंग व्हील। दिस इज कानपुर लखनऊ रोड एंड इटावा इज 82 किलोमीटर। तो आगरा और इटावा के बीच में पड़ता है ये बटेश्वर। इस जंक्शन पे थोड़ी सी दिक्कत ही हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था वेयर टू टेक अ कट, बट हमने ले लिया है ये लेफ्ट, हल्का सा स्लाइट लेफ्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पर अब हमें वापस आना पड़ा और अब जा रहे हैं सही रास्ते पर।
finally we are on the right route. Okay. Oh. And feel आ रहा है ना? बटेश्वर 33. Yes. कौन जाएंगे हम लोग? By 2 o'clock. By 2. वो 20-25 minutes का हमने कचौड़ी ब्रेक जो दिया था. Good. Because ये बटेश्वर जमुना के बैंक पर है तो यमुना बैंक पर आपको इस तरह के लॉजेस बहुत सारे दिखने को मिल सकते हैं. पर ये क्रॉस करा था सड़क पर फॉर्चुनेटली ही हैज बीन सेफ एंड मयंक इज ट्राइंग टू पुट इट इन अ सेफ एट अ सेफर प्लेस. याद रखो. हाँ देखो बटेश्वर नाथ जी द्वार. अब हम लोग बटेश्वर के परिसर में पहुंच चुके हैं. यहाँ से वो मेला 1 किलोमीटर दूर दिखा रहा है और आसपास आप देख रहे हैं कि मिट्टी के इस तरह के ये पहाड़ क्ले हिल्स हैं यहाँ पर एंड जो बहुत ऊंची ऊंची एक्सट्रीमली हाई क्ले क्लिफ्स भी हैं जिनसे कि दिन में और रात में जब लाइट जल रही हो तो सारे वो शिव मंदिर सफेद रंगे हुए बहुत सुंदर दिखते हैं. तो आप देख सकते हैं यू कैन विटनेस इट योरसेल्फ. शायद वो एक क्ले क्लिफ है. यस इट्स अ शॉट ब्यूटीफुल. यहाँ से सारी बकरियां आती हुई पशु बाजार इज ऑन द राइट. अच्छा अच्छा ठीक है ओके. हाँ ये लिखा है ना बोर्ड पे. भैया ये पशु मेला यही लगा है ना? ठीक है थैंक यू. महसूस हो रहा है जैसे कि हम किसी अच्छे से पुराने से छोटे से विलेज में जा रहे हैं एंड इट्स सो ब्यूटीफुल टू हैव द फील ऑफ द ड्राइव. हम लोग थोड़ा सा एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा लेट हुए बिकॉज बीच में ट्रैफिक भी था हम रुके भी थे बट होपफुली हमें आज वहां पर जानवर मिले क्योंकि ऐसा मैंने सुना है जो जाके फाइनली पता चलेगा कि टुडे इज द लास्ट डे टुडे और टुमारो लेट्स सी जाके पता लगेगा. तब तक देखिए ये सारे जो ये क्लिफ्स हैं ये कितनी सुंदर लग रही हैं एंड सामने से ऊंट आता हुआ. अभी तो हमें पता नहीं कि ये बेचा गया है या खरीदा गया है. गाड़ियाँ जा सकती हैं? हाँ जा रही हैं वो कड़ी गाड़ियाँ है ना. गाड़ियाँ जा रही हैं. ओ देखिए कितना सुंदर ये घोड़ा घोड़े का बच्चा ये गधा है शायद. कितना खुश है एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं इस एनिमल फेयर में. इट वाज अ टफ टेरेन एंड बट अ ब्यूटीफुल वन. छोटे छोटे टेंडर हॉर्सेस कम ऑन मयंक लेट्स मेक अ मूव. एंड फाइनली कम कम अरे बुलाया था मैं. वेलकम दस कैसे लाइन में खड़े चल गए थे रेस करने के लिए खड़े. देखो तो याद है अपने सेंट पीटर्स की 100 मीटर स्प्रिंट. hmm.
व्यापारी है वो वहाँ पीछे भी है झांसी जिले से रानीपुर झांसी तो ये साल में एक बार लगता है साल एक ही समय लगता है दिवाली के पहले तो 10 दिन के लिए क्या होता है हर साल लॉकडाउन की वजह से कुछ कम ये 15 दिन भी चल जाता है 5-6 दिन आगे और 5 साल पीछे माने 15 दिन का करीब चल जाता है ये मेला। अच्छा तो आप लोग की रहने की व्यवस्था क्या रहती है? रहने की व्यवस्था तो कुछ नहीं, अपनी व्यवस्था है पूरी व्यवस्था लेगा कपड़े वगैरह ब्याह अपने अपनी। अच्छा तो आप जानवरों को कहाँ से लेके? ये हम लोग खरीद नहीं आए, हम लोग खरीदने आए जानवर खरीद के लाए। आप तो खरीद के लाए? खरीद के लाए और यहाँ आप लोग बेचने के लिए आए? खरीदने ही आए। आप खरीदने ही आए? अच्छा ये खरीदे हुए तो आप क्या यूज में रहते हैं? ये बरातों के लिए रहते हैं, डांस करने के लिए ज्यादा मजबूत हो जाता है उसको लड़की बैठाने के लिए बरातों के लिए। अच्छा अच्छा ये धंधा के लो या इसका शौक के लो? एक बात और पूछूंगी कि आप लोग की जो कॉस्ट जिसको बारी मिलकर होती होगा तो फाइनली कितना कम से कम में मिलता है, कितना ज्यादा ज्यादा में आपको? 3 साल से 2 साल से हो गई और ये रेट की भी दुगनी हो गई। अच्छा ये घोड़ा जो है पिछली साल अगर हम 2 साल पहले खरीदे तो ये हमको 8,000 रुपए का मिलता है। अच्छा वो आज की पोजीशन में खरीदा तो इसको 20-22,000 रुपए से कम का नहीं है। इसको छोड़ सकते हैं? हाँ हाँ हो जा भाई, अरे हो जा चल भाई। अरे वाह इसका नाम अभी जाके रखा जाएगा? रख के नाम ही कहना अभी घर पे जाके नाम होगा। अच्छा तो अब इसके लिए गाड़ी से ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियाँ चल रही हैं उन्हीं गाड़ियों में आपका शुभ नाम? मोहम्मद साहिब। आपसे मुझे बहुत खुशी है, मेरा यूट्यूब चैनल चलता है तो उस पर मैं दिखाऊंगी और अच्छा लगेगा आपसे मुझे। चलिए मैं कर भी जाऊंगा। इसके पहले नेक्स्ट शरीफ का मेला इस साल किसी और की हो जाती है 50 की बात है। चलिए आपको ये नया लोगों का नसीबी समझो कि आपकी मुलाकात हो गई। नहीं तो हमारी नसीबी है कि हम इस जगह पर आए और आप लोगों से मुलाकात हो गई और बहुत बहुत मुबारक हो आपको नए परिवार के सदस्य का। ये मेरा बेटा है ठीक। जिन लोग का सौदा हो गया वो लोग भी चले थे है ना? है वो जिन लोग के सौदे हो गए जानवरों के वो लोग भी चले गए। किस बात का इंतजार? ये तो पूरा बता रहे हैं अपनी आज मेले का आखिरी दिन है और इसको ये पता है शायद तो सेम चीज़ के फ्रेंड्स हैं तो ब्यूटीफुल शेप जो घोड़ा खड़ा है वाइट। अच्छा टांग खींच रखे हैं कि ऐसे बांधे हुए हैं
इतनी दूरी से। भैया आप, आपका घोड़ा है जी जी, तो आपने इसके दो पैर पीछे से क्यों बांधे हैं? अच्छा, पैर कट जाएगा, चोट लग जाएगी। कितने साल का है ये? 4 वर्ष का। 4 साल का। क्या नाम रखा? नाम नहीं रखा आपने? इसका नाम हंसी है। हंसी है, तो आप इसे देखने आए हैं? जी। तो अभी आप इसे ग्राहक बहुत मिले, कम से कम। अच्छा, कितना आप लोग? कोई दिक्कत नहीं, बहुत। क्या नाम है? हंसी। तो आप इसकी कितनी डिमांड रखने दे पैसे की? हेलो, ये देखिए कितनी सुंदर घोड़ी है, इसका नाम है हंसी और ये इसके मालिक है। क्या नाम है आपका भैया? वसीम। वसीम की हंसनी है जिसकी 3.5 लाख रुपए की डिमांड थी, लेकिन इसकी सही कीमत ना मिलने पर ये इसको वापस लेके जाएंगे। आप कहाँ से हैं? नहीं, हो सकता है कल भी है, कल कोई मिल जाए। तो अभी 2-4 दिन जब तक वाइंड अप होता है, इन्हें उम्मीद है क्योंकि अच्छा ग्राहक इनको मिला, तो ये हंसनी को जरूर लेके जाएंगे। आप इसे लेके कैसे आए? पहले नीचे के रहने वाले व्यापार, इनको नहलाया जाता है कि नहीं? ये खाली ब्रशिंग होती है, नहला भी देते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। डेली में खाली घोड़े तो नहीं आते, और भी जानवर आते हैं ना? ऊँट लेकिन दिख नहीं रहे, कोई ऊँट दिख नहीं रहे। उधर को मिलेंगे आपको, गधे भी मिलेंगे, गिद्ध मिलेंगे। अच्छा, ये दोनों क्या बहने हैं? अलग अलग। थैंक यू भैया। हमारे घोड़े के साथ फोटो खिंचवा दी, पल्ले वाले बीच वाले फोटो का ही भेज रहा हूँ मैं इसके साथ। बड़े भाई पकड़ लो। क्या क्या नाम है? सुल्तान नाम है। ते पास आ रही है, आ रहा है ये सुल्तान। नहीं करेगा तो हिलेगा भी नहीं। हिलेगा हिलेगा भी नहीं। See the beautiful eyes. How are you? Sultan? इसकी तो आंखें पूरी इंसान जैसी है, इंसान जैसी आंखें लगी हैं इसकी। तो पकड़ो, कुछ नहीं करेगा। जाओ पकड़ो, हाँ पकड़ लो, कुछ भी नहीं बोलेगा। अभी मैं खड़ी हूँ। ओह गुड बॉय। ओनी ओनी, अरे कितना अच्छा अच्छा बच्चा। किसी पे नहीं होती है तो कोई कम पैसे वाला होता है तो गरीब ले जाता है। अच्छा, आगे आगे में जोतते रहता है। तो ये पहले किस में चली होगी? पहले सवारी करी होगी इसने, आगे बूढ़ी हो गई। अब बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई। कितने साल की हो गई होगी ये? तो हो गई करीबन करीबन, नहीं तो 15-16 साल की। अच्छा, उम्र 30-35 साल। 30-35 साल होती है बस। अपना लगते तो सॉफ्ट है पर है बड़े हार्ड। ये स्किन बहुत सॉफ्ट है, इसे परेशानी हो रही है खाने के। इसके खाने का भोजन, खाने का भोजन। अच्छा अच्छा, हाँ अब देखो आप फिर प्यार देखो लो बस गोतनी नहीं क्या? गोतनी गोतनी कहते हैं।
अरे वाह, कितने साल की है ये? अभी क्या महीने की हुई है? 8 महीने की हुई है। अरे ये 8 महीने का छोटा सा बच्चा। हाँ जी, 8 महीने की बच्ची है ये। मेरी नहीं। फेरो फेरो फेरो, चलो मत, डरने से कुछ नहीं होगा। चो 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 चो, छुप जाओ बगल से आगे। इधर आओ तुम, इधर आओ। अरे डरो मत तुम, इधर आओ। अरे इधर आओ तुम, यो छुप जाओ बगल से। नहीं डरो मत, छुप जाओ। अरे नहीं डरो, ठीक है। अरे नहीं डरो मत, डरो मत, छुप जाओ। हां यो जाओ। किसी है, मम्मी से दूर हो गई है ये। मम्मी से दूर हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बैठना चाहते हैं, बैठाने की भी हम पे है, सवार की घोड़ी है। अच्छा नहीं, अभी नहीं, बच्ची अभी आने बहुत छोटी है। हाँ। इसके आँख पे ये क्या हो रहा है? किचड़ लग गया इसमें, मेला अपना आ गया है। अच्छा। हो गई साफ, हो गई। बस बस बेटी बस, उतनी राय। ये तो मार्क तो अब तुम्हारे पास जाएगी, तुम पैसे ना, तो तुम्हारी भी घूम हो जाएगी ये। अच्छा। हाँ, आपका भी घूम जाएगी। अब जो हमारे पास आई, अब जो हमारा घूम जाएगी। बेटा आप ट्रेनिंग की हुई है? हाँ? अभी ट्रेनिंग तो कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी क्या है, अभी कुछ नहीं, अभी नहीं। वैसे बड़े घोड़ों की कर की जाती है पहले, बेचने से पहले। हाँ, ऐसा जो तुम्हारी इच्छा है, तुम दम हो रहा है नहीं घर पे, तो अपने घर रख सकती है। और जब तुम्हें दम ही नहीं रखने की, तो तुम बेच सकती है। बेचने के बाद ऐसा हो जाता है, कोई तुमने ले लिया, हमने ले लिया, हम इसको शौक में ले लिया, अब इसको हम पालेंगे। हमने पाला, हमने जो बड़ी कर ली, जो हमारा कहना मान लो। अच्छा। हाँ जी, हमारे कहने पे 6 महीने तो बहुत छोटी है। हाँ जी, हमारे कहने पे चलती रहेगी। तो इनकी जैसे पैर आप लोगों ने बांधे हैं, सभी का मैं देख रही हूं, उद्यम करेगी। नहीं, सभी के बंधे हैं, लंबी हो जाती है, तो पूरे दिन बंधे रहते हैं। हाँ, और शाम को भी, शाम को भी बंधे रहे। इसको हम जो दुलाएंगे, जब इसको खोलेंगे। अच्छा। उद्यम कर दी, किसी लात मार, लात मार दी एक बच्ची घोड़ी ने, जो को क्या हाल कर दिया। तो यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह की सुविधा कुछ होती है? हाँ है, बहुत अच्छा लगता है। हम पुष्कर तो एक बार जा चुके हैं। अच्छा। अभी मैंने सुना कि यहाँ से सारे लोग पुष्कर जाते हैं। हाँ, सब पुष्कर ही जाएंगे, सब पुष्कर जाएंगे। हम भी जाएंगे, सब पुष्कर ही जाएंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ का बाजार खत्म कर दिया। हाँ, तो कब तक, कितने दिन का है ये भी? समझो तुम, आज छठ हो गई, 7, 8, 9 दिन हो जाएंगे। अच्छा। 9वीं के बाद में लगान कर देंगे गाड़ी। अच्छा। हम पुष्कर वाले पुष्कर करके आएंगे, फिर हम गंगा जी सूरों का सूरों है। अच्छा, फिर सूरों लगेगा। अच्छा, अगली बार अगर वहाँ पर होंगे तो आपके यहाँ पे बिक्री हो गई? हाँ, कुछ बिक गई अभी, देखेंगे। कुछ हम पे पूरी है, वो ठंडी वो इस टाइम वो एक जी है जी, अभी बिक गई है, अभी बेची है। अच्छा। 4 महीने की बच्ची है। आई देखो, वही के 4 महीने की है। 4 महीने की बच्ची, बॉस बॉस, कानों से पता चल रहा है इसके। कार इसका ये मैंने जो करके छल्ले बनाए थे, इस पर मंदिर बनाएगी जी, अपना अपना मंदिर बना देगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे वो मंदिर बना देगी। अच्छा, ये चली गई। चलिए, तो बहुत अच्छा है आपको ये यहाँ पे फला, और ऐसे ही आपको पुष्कर में भी भैया भैया आपको बिकी हो, और कासगंज जाएंगे तो वहाँ पर भी हो। बस बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या नाम है आपका? पप्पू भाई, नमस्कार। थैंक यू, चलो भाई बच्चे। हाँ समझ गई, वो सिर हिला दिया उसने। उनके बाल देखिए, पूरे ट्रिम्ड है, पूरे ट्रिम्ड बाल है। हाँ बैठ जाओ, बैठाओ, एक इधर आ जाओ, किधर आ जाओ, तुम उधर जाओ। हाँ, और ये फोटो खींचेगी, तुम YouTube पर आओगे, स्माइल करके अपने घोड़े का नाम बता दो। बादल, बादल, बादल। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है? वालिद, वालिद। और तुम्हारा? ताय। अरे वाह वाह, चलो जोर से ताली बजा दो भाई, एंड थैंक यू बोल दो। शाबाश, वेरी गुड। ये भी बजा रहा है, गर्दन हिला दिया। शाबाश। कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे कुछ रोक दिया। आप अजीब नशेरी से इलाज करा, अजीब नशेरी, सही तरह के रोगों का सफल इलाज करते।
अच्छा भैया ऐसे ये तो बताओ कि हकीम लश्करी मिलेंगे कहाँ पर? हकीम लश्करी शुक्रवार को जिला अस्पताल के पास प्रकाश पेट्रोल पंप के सामने अपने दवाखाने में बैठ गए और फिरोजाबाद में हर बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अपने दवाखाने में बैठ गए और इलाज करते तो ठीक है भैया हकीम लश्करी से फिरोजाबाद के बड़े हकीम साहब आप गीता में आते हैं जिनके हाथों में कुदरत ने चमत्कारी शिफा दी है। यहाँ बगल में ही जमुना जी है और आप पहली बार कभी यहाँ बटेश्वर आए हैं और इस समय विंटर टाइम में जिस समय मेला लगता है तो गरम दिन जरूर मिलेगा। यहाँ हर साल बहुत से जानवर आते हैं जिनको की बेचा और खरीदा जाता है, लेकिन इस समय कोविड के चलते कुछ तो लोग भी कम आए और उसकी प्राइसेस भी बहुत हाई थी। पर यहाँ देखकर के आपको आश्चर्य होगा कि ऊंट ज्यादातर बिक गए और ये घोड़े भी बचे हैं, तो ये सब लोग पहुँच रहे हैं पुष्कर। अगर ईश्वर ने चाहा पुष्कर पहुंचे तो वहां आप सब सभी से मुलाकात होगी। इस तरह खत्म होता है हमारे पशु बाजार का ट्रिप। अब चलते हैं आगरा की ओर, मिलेंगे वहीं। टिल देन बाय। मुझे पूरी आशा है कि जितना मैंने एंजॉय किया बटेश्वर ट्रिप, आपने भी इसको देख करके उतना ही एंजॉय किया होगा। मिलेंगे किसी नई चीज के साथ, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी एंड डू नॉट फॉरगेट to like and subscribe my channel and of course do not forget to press the bell icon so that you get the notifications. Till then, bye bye.